आपके बच्चों में क्यों पनप रहा है गुस्सा? कच्ची उम्र में बच्चे क्यों बन रहे हैं कातिल? कहीं आपकी परवरिश में कोई कमी तो नहीं? अब बच्चे नाबालिग नहीं है, हर माँ बाप के लिए जरूरी खबर। उत्तराखंड के एक स्कूल में 14 साल की क्लासमेट का फहश वीडियो सर्कुलेट करने वाले एक स्टूडेंट को सुप्रीम कोर्ट ने जमानत देने से इनकार कर दिया। इस एक फहश वीडियो की वजह से हुई बदनामी से बच्ची ने मुश्तबा तौर पर खुदकुशी कर ली थी। मुलजिम को जमानत न देने वाले अदालत के इस फैसले से एक नज़ीर पेश हुई है कि कानून तोड़ने वाले बच्चों को जुर्म संगीन होने के बाद भी जमानत मिलनी चाहिए, ये एक एक्सेप्शन है। उत्तराखंड मामले में अदालत के फैसले के बाद पुणे के उस केस की भी चर्चा तेज हो गई है, जिसमें पोर्शे कार से दो लोगों की जान लेने वाले नाबालिग मुलजिम को महज 300 अल्फाज का आर्टिकल लिखवा कर और दीगर शर्तों के साथ जुबेनाइल कोर्ट से जमानत मिल गई। हालांकि इस मामले में पुलिस मुलजिम के लिए सख्त सजा की मांग कर रही है। उत्तराखंड का मामला पुणे केस में भी एक नज़ीर साबित हो सकता है। इस केस में सिस्टम मुलजिम को नाबालिग मानता है, भले ही 4 महीने बाद वो बालिग हो जाएगा, लेकिन अभी उसने जो भी किया सिस्टम के मुताबिक उसमें उसका कोई कसूर नहीं है। लेकिन उन परिवारों का क्या जिनके बच्चों की जान 17 साल 8 महीने के एक नाबालिग ने ले ली और सिस्टम ने उस नाबालिग को बच्चा समझकर आर्टिकल लिखने की सजा सुनाकर छोड़ भी दिया। इसी महीने दिल्ली के संगम विहार दो नाबालिगों को सरेराह चाकू गोदकर कत्ल कर दिया। हैरानी की बात यह है कि दिन दहाड़े सड़क पर हुए इस खूनी खेल को रोकने के लिए आसपास मौजूद कोई शख्स आगे नहीं आया। रिपोर्ट से पता चला कि सभी मुलजिम रील्स बनाने के शौकीन हैं। नाबालिगों को उनके एक साथी के साथ रील्स बनाने को लेकर हाथापाई हो गई थी। इसके बाद उन्होंने उससे बदला लेने की प्लानिंग बनाई। सोचने वाली बात यह है कि आजकल बच्चों में इतना गुस्सा क्यों हो रहा है? क्यों बच्चे कच्ची उम्र में जाने या अनजाने में क्राइम कर रहे हैं? इसकी वजह माँ बाप की परवरिश में कमी या बच्चों से ज्यादा लाड़ प्यार तो नहीं है? जो लोग पहली बार माँ बाप बनते हैं उनके साथ कई चैलेंज होते हैं, जिसमें सबसे अहम होती है बच्चे को एक अच्छी परवरिश देना। इसमें जरा भी कमी आती है तो बच्चे का मुस्तकबिल मुतासिर होता है। हालांकि दुनिया के हर माँ बाप अपने बच्चों को एक बेहतर इंसान बनाने की ही कोशिश करते हैं, लेकिन फिर भी कुछ गलतियाँ अनजाने में हो जाती हैं, जिसकी वजह से कुछ बच्चे गलत राह पकड़ लेते हैं। ऐसे में पेरेंट्स यही सोचकर खुद को कोसते रहते हैं कि आखिर उनके पालने में कहाँ कमी रह गई। अब सवाल यह है कि बच्चे के बिगड़ने के इशारे क्या हैं और एक माँ बाप इसे कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, इसे भी समझना बेहद जरूरी है। दरअसल बच्चे के बिगड़ने का सबसे बड़ा इशारा ये होता है कि वो किसी बात पर ना सुनने के लिए तैयार नहीं होते हैं। वो चाहते हैं कि वो कुछ भी मांग रहे हों उन्हें तुरंत मिल जाए। अगर आप किसी बात के लिए उन्हें मना कर रहे हैं लेकिन फिर भी वो काम करते जा रहे हैं, तो समझ जाइए बिगड़ने के रास्ते पर निकल गए हैं। आपके लाडले या लाड अगर आप कुछ भी कह रहे हैं करने के लिए, जैसे पानी की बोतल लाने, कोई सामान उठाकर रखने को, लेकिन वो नजरअंदाज कर दे रहे हैं, तो मतलब आपका बच्चा गलत सोहबत में पड़ गया है। बच्चे की ऐसी हरकत को आप नजरअंदाज मत करिए, क्योंकि ये आगे चलकर आपके लिए परेशानी का सबब बन जाएगा। आप अपने बच्चे को समझाइए कि उनकी जरूरतों को पूरी करने के लिए वो कितनी मेहनत कर रहे हैं। आप उनको मिसाल देकर समझाइए, जो चीज उनके पास है वो बहुत से ऐसे बच्चे हैं उनको देखने को नसीब भी नहीं होती है। उन्हें ऐसे बच्चों को दिखाइए जो मुश्किल में जी रहे हैं। उन्हें एहसास दिलाइए कि वो कितने खुश नसीब हैं कि उनके पास सोने के लिए बिस्तर और खाने के लिए रोटी है। बच्चों के अंदर इमोशन पैदा करिए। इन सब चीजों से आप अपने बच्चों को बिगड़ने से रोक सकते हैं। सलाम टीवी के लिए नदीम अहमद की रिपोर्ट।